वेलकम बैक फ्रेंड, थैंक यू सो मच। गूगल एड ट्यूटोरियल क्लास में आपको स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड, मैं एक दिल की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना मुझे सपोर्ट करते हो, इसलिए मैं सीरियसली मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। और हाँ, आज का जो मेन टॉपिक है एग्जैक्ट मैक्स जो कीवर्ड है वो, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पर दिल की बात तो थोड़ा कभी कभी हो सकता है, राइट? मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरा इतना दिल से और प्यार से मोहब्बत देकर इतना सपोर्ट करें, जैसे मेरा सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ता गया, और मुझे लगता है कि जितना सारे जो फॉलोअर्स है वो मुझे लाइक भी करता है, डिसलाइक बहुत कम मिलता है। सीरियसली आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, इसलिए डिसलाइक बहुत कम आता है। और एक चीज़, कमेंट में अभी तक मुझे कोई नेगेटिव ऐसे कमेंट नहीं मिला। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, तो ये प्यार के लिए, ये जो फैमिली है आप बड़ा करते जा रहे हो, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगा कि हाँ, ये बात आप लोगों को शायद शेयर करना चाहिए, और मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू फ्रेंड, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मेरा चैनल फॉलो करेंगे तो 100% पे 100% मैं आपको टेक्निकली सिखाने के लिए कोशिश करूंगा। मैं बिलीव करता हूँ, कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। बातों में तो कोई भी बोल सकते हैं, मैं भी बड़े बड़े लेक्चर झाड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम डिजिटल मार्केटर। लोगों को इम्प्रेस करना, कन्वर्शन करना, ये सारे से मैं भी कर सकता हूँ। और मार्केटिंग के अंदर भी जो लेक्चर क्लास है, जो मोटिवेशनल जो स्पीक जो बात होता है, वो सारे चीज मैं आपको साथ भी शेयर करूंगा कि कैसे आप एक अच्छे से अच्छा डिजिटल मार्केटर के लिए आपको सोच समझना कैसे चाहिए, आपको गोल कैसे होना चाहिए, आप बिजनेस के हिसाब से आप काम करेंगे तो कैसे तरीके से आप एक कस्टमर जो है, जो यूजर जो आपको विजिट करता है आपको वेबसाइट, या आप फेस टू फेस या चाहे तो ऑनलाइन से बात करते होते, ये कैसे तरीके से बात करना चाहिए, ये सारे चीज, मतलब एक मार्केटिंग आपको जो करना है, सारे जो ऑप्शन है वहां पर आपको नजरदारी करना है, देखना है, राइट? तो फ्रेंड, आज का जो मेन जो टॉपिक था, मैंने बताया कि गूगल एड ट्यूटोरियल आप सीख रहे हो, और बिल्कुल आपको हिंदी में सीखने को मिल रहा है, और स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेंगे। फ्रेंड, ये एक ऐसा कीवर्ड है, एग्जैक्ट मैच। हाँ फ्रेंड, एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट, परफेक्ट मैच होगा तब जाके आपको कीवर्ड गूगल पे शो होने लगेगा एड के द्वारा। सिंपल से बात समझ में नहीं आया, चलो हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस देते हैं। तो चलिए हम एक गूगल ओपन कर लेंगे, राइट? गूगल ओपन करने के बाद आपको सामने में सर्च इंजिन आ जाएगा, ये सिंपल चीज है। पर मैं लिखना चाहता हूँ बाई मोबाइल फोन, ओके, सिंपल चीज, MOBILE, राइट फ्रेंड, मोबाइल ऑनलाइन। तो चलिए ये मेरा कीवर्ड है, राइट? अगर अगर मेरा ये सिलेक्टेड कीवर्ड है, मान के चले ACLECT सिलेक्टेड की वर्ड, फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज वीडियो पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका दिमाग में नीड एंड क्लीन कर दूंगा मैं, ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, राइट? तो आपने क्या लिखा, आपने एग्जैक्ट मैथ्स कीवर्ड कैसे लिखेंगे, जैसे ऑनलाइन, ये आपका कीवर्ड है, राइट? और जब आप कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे और कीवर्ड जब आप डालेंगे, तो आपको कहाँ पर जाना होगा, कीवर्ड, कीवर्ड पे जाइए। कीवर्ड जाने के बाद आपको सामने में एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको प्लस बटन मिलेंगे, राइट फ्रेंड? हाँ फ्रेंड, एक बात और ध्यान रखना, अगर आप चाहे तो एडवांस कीवर्ड भी आप सिलेक्शन करके रख सकते हो, या चाहे तो आप एक एड कैंपेन बना के बना लीजिए, एड ग्रुप बना लीजिए, उसके बाद आप एड एक्सटेंशन लिखिए, आप कैंपेन क्रिएट करिए, उसके बाद एड ग्रुप लिखिए, उसके बाद एड एक्सटेंशन लीजिए, फिर जाके आप लैंडिंग पेज क्रिएट कीजिए, मतलब कौन सा कीवर्ड के हिसाब से कौन सा पेज के आप लेना चाहते हो, वो ट्राफिक या लीड या कुछ भी हो या कॉल, तो ये लैंडिंग पेज पे सेट करिए। ये लैंडिंग पेज के मतलब आप कौन सा वेबसाइट को उसको विजिट करवाना चाहते हो, राइट? और इसके बाद आते हैं कीवर्ड, तो कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो फ्रेंड ये है कीवर्ड, और मैं आपको सिलेक्ट कर दिया कीवर्ड के हिसाब से, मैं मान के चले मेरा ये एक एड कैंपेन है, राइट? तो मैंने बता दिया कि कैंपेन आपको सिलेक्ट करना होगा, कैंपेन सिलेक्ट करने के बाद आपको जो एड ग्रुप नेम है वहां पर आपको क्लिक करना होगा, और कीवर्ड कैसे डालना होगा, मान के चले आपने एक कीवर्ड सिलेक्ट किया बाई मोबाइल ऑनलाइन, अगर कोई मोबाइल एक शॉप जो है, वेबसाइट है जो बेचना चाहते हैं मोबाइल, तो वो बाई मोबाइल ऑनलाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे कीवर्ड डालेंगे और एग्जैक्ट मैं कैसे काम करते हैं, सिंपल चीज फ्रेंड। ये एक चीज मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्योंकि आपको सामने में पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए, ये हो गया एग्जैक्ट मैथ्स, एग्जैक्ट मैथ्स जब आप लिखेंगे, ये हो गया आपका एग्जैक्ट, तो ये वाला जो चीज है और ये वाला जो चीज है, ये आपका एग्जैक्ट मैथ्स हो गया, राइट? ये क्लिक करेंगे तो मान के चले कोई अगर यूजर, फॉर एग्जाम्पल मैं फोटोशॉप के द्वारा जा सकता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ, ओके, चलो ये आपके लिए मैंने डिजाइन किया हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं एक लाइन देना चाहता हूँ फ्रेंड, लाइन, राइट? तो फ्रेंड आपने एक कीवर्ड सिलेक्ट किया लेदर डेस्क चेयर, अगर कोई एक यूजर लेदर डेस्क चेयर ओनली लिखेंगे तब जाके आपको एड शो होने लगेगा, नोट करिए तो जरा ए वाला, अगर परफेक्टली लिखेंगे तो ये उसका शो होने लगेगा, अगर कोई लिखता है बाय
लेदर डेस्क यार, आई मीन आप देखिए फ्रेंड, ये जो है ना, ये जो ऑप्शन देखा है ना बाई, तो ये एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा जोड़ दिया ना, इसके वजह से आपको नहीं होगा एड शो, सिंपल सा चीज। अगर कोई ऑफिस एक्सेसरीज लिखता है, फॉर एग्जांपल ये वाला ऑफिस एक्सेसरीज, तो अगर आपको सामने में ऑफिस एक्सेसरीज लिखेंगे और उसके बाद फॉर सेल ऑनलाइन लिखेंगे, तो आपको एड शो नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ वो कंडीशंस लिखना होगा जो सिर्फ के सिर्फ आपको ऑफिस एक्सेसरीज ही लिखेंगे, तब जाके आपको गूगल पे एड शो होने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बाय ऑनलाइन लिखूंगा, तब जाके मेरा एड शो होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बाय मोबाइल ऑनलाइन या कुछ भी हो, तो सिर्फ ये एग्जैक्ट कीवर्ड के हिसाब से हो जाता है। और आपको पता चल गया, एक कीवर्ड अगर आप सिलेक्ट करेंगे, तो अगर आप एग्जैक्ट कीवर्ड लिखना चाहते हो, तो इसका जो मेन कोड है ए वाला, राइट फ्रेंड, ए वाला और ए वाला, इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, आपका कीवर्ड। सो राइट डब्ल्यू आर आई टी राइट हियर योर कीवर्ड, राइट डब्ल्यू आर डी, सिंपल चीज। आपको समझ में आ गया? ये अगर ए जो ऑप्शन है और ए जो ऑप्शन है अगर आप दे देंगे, तो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड सिलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। और एक चीज थोड़ा सा बता दूं, अगर आप एड ग्रुप पे यही सेम कीवर्ड अगर आप लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं दूसरा घुमा फिरा कर, जैसे मोबाइल ऑनलाइन बाई, अगर आप चाहते नहीं मैं दूसरा वाला एग्जैक्ट जो है वो मैं करना चाहता हूँ, तो बाई, तो आप लिखे आप अगर ऐसे तरीके से ऑनलाइन बाई मोबाइल, तो ए भी आप लिख सकते हैं, और ऐसे तरीके से आप एग्जैक्ट मैक्स दे सकते हैं फ्रेंड, ए भी आपको शो होने लगेगा, राइट। अगर आप लिखेंगे मोबाइल बाई ऑनलाइन, तो ए भी पॉसिबल है, पर आपको सिर्फ यही लिखना होगा, क्या लिखना होगा, मोबाइल, मैंने लिख दिया मोबाइल बाय ऑनलाइन फ्रेंड, ये आपको लिखना होगा। आप देखिए एक ऐसे तरीके से सेम कीवर्ड को घुमा फिरा कर करेंगे, तो आपको अच्छा 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 लीड आ जाता है, राइट फ्रेंड। अगर कोई भी एक कीवर्ड, तो आप क्या है, तीनों टाइप की कीवर्ड लिखा, मतलब ये जो कीवर्ड कई भी तरीके से घुमा फिरा कर लिखे, आपका एड शो हो जाएगा, पर आपको ये मेंशन करना होगा, राइट फ्रेंड। इसमें और एक चीज छोटा सा, आपको नेगेटिव कीवर्ड की जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है, आप जब नेगेटिव कीवर्ड देते हो, तो इसके लिए आपको नेगेटिव कीवर्ड की जरूरत नहीं है, और ये आपको हाई क्वालिटी ट्रैफिक भी देता है। इसका जो कॉस्ट है क्लिक शॉर्ट रेट या सीपीसी, ये ज्यादा होता है। अगर आप ब्रॉड में सिलेक्ट करेंगे, तो आपको लो कॉस्ट में हो जाएगा, पर अगर आप एग्जैक्ट मैच क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कीवर्ड, तो आपको ज्यादा पैसे देना होगा। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन है या आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मेरा एक कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी बता सकते हैं फ्रेंड। मैं एक पीपीसी एक्सपर्ट भी हूँ, अगर आप हायर भी करना चाहते हो, तो मेरा नंबर पे कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ से।